नमस्ते। आज मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे की कथा। ओम नमः शिवाय। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए थे। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उतावला हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्धत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, वहीं स्थित हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। रावण ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया, तब बहु प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार वो उठा न सका। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया था। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे का आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। देहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति भी होती है। इस तरह से श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।